हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आज हम बनाएंगे ऐसे। इसे कुछ लोग अनरसे भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने 3 कटोरी चावल लगभग 30 घंटे पहले भिगा दिया था और इसका हमने बीच में 6 से 7 घंटे के बीच में हमने इसे 2 से 3 बार पानी भी चेंज किया है इसका, और अभी हमने 2 बार धुल के ले लिया है। इसे हम छान देंगे, पानी इसका बाहर कर देंगे और अभी हम छन्ने में ही 1 आधे घंटे के लिए रख देंगे। ऐसे ही जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाए जिससे। और अभी हम 1/2 घंटे के बाद हम इसे धूप में 1 घंटे के लिए फैला देते हैं, जिससे कि हमारे जो चावल हैं वो सूख जाएं। अगर आपके पास धूप नहीं है तो आप 2 घंटे के लिए पंखे की हवा में फैला दीजिए। बस हमें इसका जो पानी है वो सुखाना है, चावल को अच्छे से सुखाना नहीं है। तो देखिए 1 घंटे के बाद हम चावल को ले लेते हैं, ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। और अभी हम जार में, मिक्सी जार में डाल के इसे पीसेंगे। एक फाइन पाउडर बनाना है इसका हमें। तो देखिए चावल हमारे पीस चुके हैं, अभी हम इसे चाल लेते हैं। और छालने के बाद जो इसका चावल का बड़ा हिस्सा बच जाएगा उसे हम फिर से मिक्सी जार में डाल के फिर से पीस लेंगे। ऐसा करके 2 से 3 बार करेंगे और एक फाइन पाउडर तैयार करेंगे चावल का। तो ऐसा पाउडर हमें तैयार करना है। हमने भी फिर से पीस लिया था बचे हुए चावल को और इसे भी चाल लेते हैं। तो हमारा चावल का पाउडर तो तैयार हो गया है। अभी हमने जिस कटोरी से 3 कटोरी चावल लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी शुगर पाउडर ले लेते हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। एक कटोरी हम मावा ले लेते हैं। और 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर ले लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इलायची पाउडर हमने डाला है फट, हमने शूट नहीं कर पाया है, भूल गई थी मैं। और ये हमने मिल्क क्रीम लिया है, इसे अभी हम 2 टेबल स्पून डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी जो बचा हुआ 2 टेबल स्पून मिल्क क्रीम है उसे भी हम डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अभी हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट में रख देंगे ढक के। तो 1 घंटे के बाद हम इसे लेते हैं, थोड़ा सा साइड में करेंगे और हम ऐसे बनाना स्टार्ट करेंगे। डो का एक छोटा हिस्सा लेंगे और ऐसे दबाते हुए हमें हाथों की सहायता से गोली बनानी है। उसके बाद हाथ से ही हम दबा के शेप दे देंगे और साइड से भी चिकना करते जाना है। ऐसे ही हम सारे ऐसे तैयार कर लेंगे।
और हमने ऑयल भी गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गरम है और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो लाइट गोल्डन फ्राई करना है। और ऐसे ही हम सारे ऐसे अपने फ्राई कर लेते हैं एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ऐसे तैयार हो चुके हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।